सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूँ देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB बैंक में आप अपने ATM कार्ड का पिन बना रहे हैं तो जो आपके ATM कार्ड का ATM पिन है वो नहीं बन पा रहा है और आपके सामने इस तरह से दिक्कत आ जा रहा है। तो अभी गाइज मैं आपको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और आप अपना ATM पिन कैसे बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे तो जो आपका PNB बैंक में आपके ATM कार्ड का पिन होगा वो बहुत ही इजीली बन जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप भी PNB बैंक में ATM पिन बना रहे हैं और आपके सामने इशू आ रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइस, आपको पंजाब नेशनल बैंक के ATM कार्ड का ATM पिन बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच के किसी भी ATM मशीन में जाना होगा। तो जैसा कि देखिए गाइस, मैं जो है पंजाब नेशनल बैंक के ATM मशीन पे आ चुका हूँ। तो अब चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आप ATM पिन कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, आपका जो ATM कार्ड होगा आप ATM मशीन में इंसर्ट करेंगे। जैसे ही आप ATM मशीन में इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ मेनू आएगा। तो अभी देखिए, जहाँ से प्लीज वेट है तो आपके सामने यहाँ से दोस्तों डिस्प्ले आएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना है। तो अभी देखिए, आपको यहाँ पे ATM पिन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से देखिए लिखा हुआ है क्रिएट या चेंज पिन। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। तो अभी आप यहाँ से OTP जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो OTP जनरेशन के साइड में जो यहाँ से बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो ट्रांजेक्शन है वो अंडर प्रोसेस में है। तो अभी देखिए, आप जैसे OTP जनरेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से इरर आ जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है अनेबल टू प्रोसेस ड्यू टू इनवैलिड डिटेल्स, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर ATM टू एनेबल द अदर PNB प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ से इरर आ जा रहा है और जो आपका ATM पिन है वो नहीं बन पा रहा है क्योंकि सबसे पहले तो आपको OTP चाहिए। तो जब आप OTP जनरेशन कर रहे हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ नहीं रहा है। तो अब गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अभी आपको अपना पासबुक और आपका जो ATM कार्ड है आपके पास, उस ATM कार्ड को लेकर के आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाना और बताना है कि हम ATM कार्ड बना रहे हैं और इस तरह से इशू आ रहा है। तो अभी ये जो इशू आ रहा है फ्रेंड, आपको जो अपने फोन में इसको कैप्चर कर लेना है, फोटो ले लेना है और आपको अपने ब्रांच में जाकर के ब्रांच मैनेजर को दिखाने या फिर किसी भी एम्प्लॉय को और उनको बतानी है कि ये इशू आ रहा है। तो अभी गाइज, आपका जो ATM कार्ड होगा वो आपके बैंक में नहीं एक्टिवेट होगा। तो गाइज, वो क्या करेंगे कि ये जो ATM कार्ड होगा आपके बैंक में आपके अकाउंट से एक्टिवेट करेंगे। तो गाइस, जैसे आपका ATM कार्ड एक्टिवेट कर देंगे तो आप दोबारा जब अपना ATM पिन बनाएंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका जो ATM पिन होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। तो गाइस, इस तरह से आप बहुत इजीली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।